हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है दूध और ओरियो बिस्किट, और ओरियो बिस्किट के पैकेट को पूरा हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने थोड़े बड़े चंक्स भी रखे हैं। फिर हमने हमारा आइसक्रीम का मोल्ड लेकर उसके अंदर पहले पीसी हुई ओरियो बिस्किट के पीसेस डाले हैं, जो मोटे वाले चंक्स थे वो। फिर उसके बाद बचे हुए ओरियो बिस्किट के चंक्स को हमने मिल्क में मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। फिर हमने उस मिल्क और ओरियो बिस्किट के मिक्सचर को, बेसिकली जो ओरियो मिल्क शेक होता है, उसको हमने आइसक्रीम मोल्ड में वापस से फिल कर दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम एक क्लिंग रैप की मदद से हम इसे कवर करेंगे। और फिर अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। 4 घंटे बाद हमने उसे निकाला है। अब हमारी क्लिंग रैप निकालेंगे हम, और फिर हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम स्टिक। अभी हमारी आइसक्रीम जो है आधी जमी है, पूरी तरह से नहीं जमी है। आप चाहें तो आप आइसक्रीम स्टिक की जगह आप चम्मच भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही सब में आइसक्रीम स्टिक्स लग जाएंगी, हम इसे फ्रीज करने के लिए वापस से रखेंगे और 4 घंटा, या फिर जब तक आपका आइसक्रीम फ्रीज नहीं हो जाती। मेरी आइसक्रीम 4 घंटे में फ्रीज हो गई थी। ये हमने निकाल ली वापस फ्रीजर से 4 घंटे बाद। अब हमने इसको रखा है एक पानी के टब में, जिससे ये इजीली निकल जाए। अब हम हमारी आइसक्रीम को निकालेंगे। ये निकल गई हमारी आइसक्रीम, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना, एकदम मजेदार। आप भी बनाइए, ट्राई करिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।